अलाव एन इट स्पीकमल एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रीड कॉर्ड बॉक्सेज या कोट डायग्राम कह सकते हैं उसे या कॉट चार्ट कह सकते हैं सो आज हम सीखेंगे कॉ डायाम कैसे रीड करते हैं ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो में नाउ सो सबसे पहले हम देख रहे हैं ए माइनर कोड देखते हैं ठीक है तो अगर आप ध्यान से साइड में देखो तो ए माइनर कोड का जो डायग्राम है या तो इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है या तो इस तरह से मिल सकता है अगर आप इन दोनों में देखो तो जो ई वाला है ये बहुत सिंपल सा है इसमें जो है आ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और इस वाले में सब कुछ लिखा हुआ है ए माइनर है फ्रेट लिखा हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है इसमें तो मैं आपको पहले इससे इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे कि कॉड डायग्राम कैसे रीड करते हैं उसके बाद नॉर्मली आप ये वाला भी ईजिली रीड कर पाओगे तो आपको यहाँ तक पहुँचना है कि आप देखते ही बस बता दो कि ये कौन सी कॉर्ड है ओके ओके सर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ए माइनर कॉर्ड अगर आप इसमें ध्यान से देखो सबसे पहले हम जाते हैं लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में देखो वन टू थ्री फोर लिखा है फ्रेट्स करके उसके ऊपर फ्रेट्स लिखा हो वो हमारे फ्रेट फ्रेट्स है ठीक है हमेशा वर्टिकली साइड जो है हमारा फ्रेट होगा और हॉरिजेंटली साइड हमारा जो है स्ट्रिंग होगी ये हमारा फ्रेट होगा ये हमारी स्ट्रिंग्स होगी ओके अगर तो उसमें देखो जो ये फर्स्ट है ये पूरा हमारा फर्स्ट फ्रेट है ये नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो पूरा सेकेंड फ्लैट है जो नेक्स्ट वाला है वो हमारा पूरा थर्ड फ्लैट है उसके नेक्स्ट वाला जो पूरा है वो है फोर्थ फ्लैट है ठीक so, है तो हमारे फ्लैट नंबर्स हैं और दूसरी साइड जो में जो लिखा हुआ है नीचे हॉरिजेंटली जो लिखा हुआ इस लिख है इसमें क्या लिखा है ई ए डी जी बी ई वो हमारी स्ट्रिंग्स है इस डायरेक्शन में बना हुआ है ऐसे तो गिटार में हमारा क्या है यहाँ पे ई e, ये हमारी स्ट्रिंग्स है ई ए ए डी जी बी ई ठीक है ये स्ट्रिंग्स हैं इस डायरेक्शन में जहाँ पे यहाँ पे लिखी हुई है, हैं और ये हमारे फ्रेट्स हैं वन टू थ्री फोर तो कॉड डायग्राम इस डायरेक्शन में लिखा होता है आपको ये और होगा ना कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लिखा हुआ जिस डायरेक्शन गिटार को देखते हैं मुझे भी स्टार्टिंग में ये होता था कि ऐसे क्यों नहीं लिखा होता पर ऐसे लिखा हुआ है आप अगर मान लो आपको ऐसे अभी आप अभी आप बिल्कुल न्यू गिटारिस्ट आपको याद नहीं रहते हैं स्ट्रिंग्स नेम तो मैंने इसमें नंबरिंग करके रखी हुई है अगर आप ध्यान से देखो तो आप लिखे सिक्स फिफ्थ फोर्थ थ्री टू वन सो ये कोड चार्ट आपको नॉर्मली इतना भी ज़्यादा लिखा हुआ नहीं मिलेगा ऐसा सब मिल सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी है ताकि आप इजीली समझ सको ये सिक्स स्ट्रिंग है फिफ्थ स्ट्रिंग है फोर्थ स्ट्रिंग है थर्ड है सेकेंड है वन है ठीक है उसके बाद अब इसको हम रीड करते हैं रीड सबसे पहले हम कैसे करेंगे ऊपर आप टॉप कॉर्नर में आए जहाँ पर ए माइनर लिखा हुआ है तो जब भी अगर आपको कोई माइनर कोड मिलेगी तो उसमें जो है एम लिखा होता है छोटा सा और मेजर में सिर्फ कैपिटल लेटर्स में कॉर्ड uh, लिखी होती है सी सी लिखा होगा डी लिखा होगा ऐसे होगा अगर छोटा सा हम लिखा होगा तो वो माइनर भी आ जाएगी बिल्कुल उसके ठीक नीचे क्रॉस है ज़ीरो लिखा होगा वो ओ जैसा लग रहा है पर वो ज़ीरो है सो so, ये क्रॉस और जीरो का क्या मतलब होता है जो क्रॉस होते हैं क्रॉस का मतलब होता है कि आपको वो स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग string जो है प्ले नहीं करनी है क्रॉस का मतलब वो स्ट्रिंग आप नहीं प्ले करोगे ए माइनर में जो है हम सिक्स स्ट्रिंग प्ले नहीं करते हैं देखो वहाँ पर क्रॉस जो है वो सिक्स स्ट्रिंग पे है नीचे की फाइव स्ट्रिंग्स प्ले करोगे सिक्स स्ट्रिंग जो है वो प्ले नहीं करूंगे नेक्स्ट जो है वो लिखा है जीरो लिखा है फिफ्थ स्ट्रिंग पे और दूसरा जो, जो जीरो लिखा है वो फर्स्ट स्ट्रिंग पे है अब देख पा रहे हो ना बिल्कुल जीरो जहाँ लिखा है बिल्कुल उसमें स्ट्रेट लाइन लगा के देखो नीचे फिफ्थ स्ट्रिंग पे आ रहा है दूसरा जो जीरो लिखा है उसमें स्ट्रेट लाइन लगा के देखो नीचे फर्स्ट स्ट्रिंग पे आ रहा है तो इन दोनों जीरो का मतलब है कि आप वो स्ट्रिंग जो है ओपन प्ले करोगे ओपन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ भी अपनी फिंगर नहीं रखोगे उन स्ट्रिंग्स पे तो हम फिफ्थ स्ट्रिंग जीरो लिखा है फिफ्थ स्ट्रिंग पे देखो ए माइनर ये होती है हमारी ठीक है फिफ्थ स्ट्रिंग जीरो का मतलब क्या है देखो ओपन है ये यह, ये पे कोई नोट प्ले नहीं हुई है फोर्थ स्ट्रिंग तो फिफ्थ स्ट्रिंग जो है ओपन प्ले होएगी ए माइनर में और फर्स्ट स्ट्रिंग भी जो है ओपन प्ले होएगी ए माइनर में तो अब यहाँ पे फ्रेड बोर्ड में कोई नोट प्ले नहीं करोगे उस स्ट्रिंग पे ठीक है इसका मतलब ये होता है ओपन स्ट्रिंग का मतलब है सिर्फ यहाँ पे नोट प्ले करोगे आप ब्रिज पे यहाँ पे प्ले करोगे अगर आप राइट right हैंडेड हो तो आप राइट right हैंड से करोगे लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड से करोगे और फ्रेड बोर्ड पर कोई नोट प्ले नहीं होगा जहाँ पर भी जीरो आ जाएगा उस स्ट्रिंग में कोई नोट प्ले नहीं होगा फ्रेड बोर्ड पर ठीक है ओपन स्ट्रिंग प्ले करेंगे हम अब आपको क्रॉसेज और जीरो का मतलब पता चल गया है कि क्रॉस का मतलब क्या होता है स्ट्रिंग प्ले नहीं करनी है जीरो का मतलब है कि ओपन स्ट्रिंग प्ले करनी है तो उसके बाद जो लास्ट थिंग इस चार्ट में बची है वो क्या है नंबर्स वन टू थ्री जो लिखे हुए हैं सर्कल में ब्लैक सर्कल में व्हाइट से लिखा हुआ है वन टू थ्री वो जो है वो हमारी फिंगर्स हैं ठीक है ठीके? ये हमारी फिंगर्स लिखी हुई है इसमें तो so फर्स्ट जो है वन जो है वो हमारी फर्स्ट फिंगर है टू जो है हमारी सेकंड फिंगर है मतलब मिडिल फिंगर है इंडेक्स फिंगर हमारी थर्ड फिंगर है और पिंकी फिंगर हमारी फोर्थ फिंगर है सो दिस इज़ वन दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री दिस इज़ फोर और थम जो है वो हमारा पीछे होता है हमेशा जब हम नोट प्ले कर रहे थे तो थम का थम का इसमें कोई रोल नहीं होता ठीक है वन लिखा होगा सर्कल में तो उसका मतलब आपको इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी है टू लिखा होगा सर्कल में तो उसका मतलब है आपको मिडिल फिंगर यूज़ करनी है थ्री लिखा होगा अगर सर्कल में तो आपको रिंग फिंगर यूज़ करनी है और अगर फोर लिखा होगा सर्कल में तो आपको पिंकी फिंगर यूज़ करनी है अब इसमें चार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो है वन लिखा है उन्होंने कहाँ पे लिखा है आपको वो नोट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेट वाली लाइन में जाना है फ्रेट वाली लाइन में देखो क्या लिखा है वन ठीक है फ्रेट वाली लाइन में वन है और जो हमारी स्ट्रिंग्स वाली साइड है उसमें टू लिखा है यानी कि बी स्ट्रिंग है हमारी सेकेंड स्ट्रिंग तो ध्यान से देखो अगर आप इसको मैच करके देखो तो ये आता है फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है ये हमारा फर्स्ट फ्रेड है और ये हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है सर्कल में लिखा है कि आपको फर्स्ट फिंगर रखनी है यहाँ पे मेरी फर्स्ट फिंगर जो है वो रखनी है फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे देखो नेक्स्ट फिंगर जो है सेकेंड जहाँ पे टू लिखा है वो हमारी कौन सी है मिडिल फिंगर जो है वो हमारी कहाँ आएगी अब देखो वो आएगी हमारी सेकेंड फ्रेट सेकेंड फ्रेट और स्ट्रिंग वाली साइड कौन सी है फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग है सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग अब देखो थर्ड फिंगर आप खुद बताओगे मुझे थर्ड फिंगर जो हमारे को यहाँ पे बताई हुई है थर्ड फिंगर जो है वो है हमारी कहाँ पे है सेकेंड फ्रेट स्ट्रिंग कौन सी है थर्ड देखो सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे चार्ट में देखो सेकेंड फ्रैट थर्ड स्ट्रिंग इंडेक्स फिंगर जो आएगी सेकेंड फ्रैट थर्ड स्ट्रिंग ये हमारी थर्ड स्ट्रिंग है रिमेंबर हमेशा थर्ड स्ट्रिंग यही होगी कभी कई बार लोग फोर्थ स्ट्रिंग को थर्ड बना देते हैं कई बार वो काउंटिंग गलत करते हैं नीचे से हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग स्टार्ट होती है और ऊपर तक हमारी सिक्स जाती है और अगर ऊपर से काउंटिंग करें तो ये सिक्स ही रहेगी ये फर्स्ट नहीं बन जाएगी ठीक है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है तो ये हमारी बन गई ए माइनर ठीक है ये देखो यही तीन फिंगर्स थी वहाँ पे और फिफ्थ स्ट्रिंग जो है हमारी वो ओपन है यानी कि इसमें जीरो लिखा हुआ था तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है हम ओपन प्ले कर रहे हैं ठीक है तो ये दोनों जो फर्स्ट है और हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग जो है वो दोनों ओपन प्ले हो रही है ठीक है ये हमारी बन गई ए माइनर याद रखना हमने सिक्स स्ट्रिंग इसमें प्ले नहीं करनी थी उसमें क्रॉस लिखा था ठीक है ये हमारी ए माइनर है तो इस तरह से हम कोट चार्ट रीड करते हैं अब दूसरा वाला इसको देखते हैं जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अब आपको याद रख लेना है कि इस साइड कौन सी साइड फ्रेट्स होते हैं कौन सी साइड स्ट्रिंग्स होती हैं अगर आप एक बार याद रख लोगे तो आप जो दूसरा वाला चार्ट है हमारा एक बार ये चीज़ याद रख लोगे तो जो दूसरे वाला आपका चार्ट है वो आप इजिली रीड कर सकते हो इसमें ध्यान से देखो क्रॉस लिखा हुआ है क्रॉस कहाँ पर लिखा था सिक्स स्ट्रिंग पे तो सिक्स स्ट्रिंग हम प्ले नहीं करेंगे अगर बाई चांस कभी भूल भी जाते हो कि फ्रेड बोर्ड कौन सी साइड है स्ट्रिंग्स कौन सी साइड है इस चार्ट में तो आप ध्यान से देखो जो स्ट्रिंग्स हैं वो ज़्यादा है सिक्स स्ट्रिंग्स हैं और जो फ्रेट्स हैं वो कम है तो मोस्टली हम इस चार्ट में जो हमारे जो फ्रेट्स होंगे वो हम कम ही बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तीन फ्रेट होंगे या चार फ्रेट होंगे चार फ्रेट से ज़्यादा कोई फ्रेट हम इसमें नहीं बनाते जब भी हम आ, कोई भी कोर्ड दिखाते मान लो अगर हम यहाँ पर कोई कोर्ड दिखा रहे होंगे ना तो हम यहाँ पर भी तीन चार ही फ्रेट दिखाएंगे सिर्फ मान लो यहाँ पे कोई बार कोर्ड प्ले कर रहे होते तो हम कैसे बताएंगे कि ये फर्स्ट फ्रेट नहीं है तो बस उसमें हमने क्या लिखा होता है जो हमने फर्स्ट फ्रेट बनाया होता है ना चार फ्लैट बनाएंगे क्योंकि हम तो उसमें जो फर्स्ट फ्लैट बनाया हुआ है उसमें यहाँ पर लिखा होगा कि फिफ्थ फ्रेट है तो उसमें यहाँ पर लिखा होगा कि चार जो फ्रेड बोर्ड है वो फिफ्थ फ्रेड से स्टार्ट हो रहा है तो आपके आपको पता होगा ये फिफ्थ है फिर अगले वाला सिक्स है अगले वाला सेवन्थ है एट्थ है तो इसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा फ्लैट में वन टू थ्री फोर नहीं लिखा हुआ फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये वन टू थ्री फोर ही है तो नॉर्मली हम हमेशा वन टू थ्री फोर ही लेके चलते हैं अब ध्यान से देखो इसमें जो नंबरिंग है फिंगर्स की वो ब्लू से की हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस सर्कल में मोस्टली आपको मिलेंगे अब आप देखो इसमें जीरो नहीं लिखा हुआ कहीं जैसे पीछे वाले चार्ट में लिखा हुआ था कि ये जीरो है मतलब फिफ्थ स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी थी इसमें नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड है कि आप उसको ओपन प्ले करोगे बस क्रॉस हमेशा लिखा होगा क्रॉस का मतलब है कि वो नोट आप प्ले नहीं करोगे तो क्रॉस इसमें मैंशनड है कि आपको वो नोट प्ले नहीं करना और बाकी उन्होंने वन टू थ्री लिखा हुआ है वन कहाँ पे हमारा देखो फर्स्ट फ्रैट सेकेंड स्ट्रिंग पे जो टू नंबरिंग करी हुई है वो है सेकेंड फ्रैट फोर्थ स्ट्रिंग पे और जो थर्ड नंबरिंग करी है वो है सेकेंड फ्लैट थर्ड स्ट्रिंग पे ठीक है तो बिल्कुल सेम है ये दोनों चार्ट बस उसमें ज़्यादा लिखा नहीं हुआ है ठीक है आई होप सबको समझ में आ गया अब एक और देख लेते हैं एक बार सी देख लेते हैं अब जैसे ये है हमारा सी तो ये जो हमारी है सी लिखी हुई है अब इसमें भी ध्यान से देखो इसमें जो है जीरो लिखा हुआ है तो कई बार आपको मिलेगा जीरो लिखा हुआ जीरो का मतलब था ओपन स्ट्रिंग कई बार आपको नहीं मिलेगा तो देखो इसमें भी क्रॉस है सिक्स स्ट्रिंग पे इसका मतलब आप सी में भी सिक्स स्ट्रिंग प्ले नहीं करोगे ठीक है तो फर्स्ट फ्रेड में वन लिखा है कहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग पे ठीक है नंबरिंग हमेशा याद रखना स्ट्रिंग्स की इसी डायरेक्शन में होंगी सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ऐसे ही लिखा होगा ठीक तो है तो ये हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है तो फर्स्ट फ्रेड सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर है उसके बाद है लिखा है सेकेंड देखो टू सर्कल वाला कहाँ पे लिखा है ठीक है सेकेंड फ्रेड फोर्थ स्ट्रिंग फिर थर्ड जो है सर्कल वाला वो कहाँ पे लिखा है थर्ड फ्रेड फिफ्थ स्ट्रिंग ये हमारी सी मेजर है इसमें हम ये नोट प्ले नहीं कर रहे हैं सो ओके आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट